अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं बाथरूम में वॉल मिक्सर फिक्स कर रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो वॉल मिक्सर फिक्स किस तरह से होता है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आने पे लाइक और कमेंट शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो अभी मैं वॉल मिक्सर का बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये रहा वॉल मिक्सर। तो वॉल मिक्सर के साथ इसके दो ऑफसेट आते हैं, लेग्स और इसमें लाइंस। ये दो इसके ऑफसेट है या लेग्स बोलो, और इसके वॉचर भी है दो साथ में। तो ये हर वॉल मिक्सर में आते हैं ये। और ये क्या, तो पहले तो मैं बिना टकलन भी इसको यानी फिक्स करके इसको देखना पड़ता है। ज़रूरी होता है कि फ्लैंच इसको यानी अच्छे से फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंदर के जो हम पॉइंट्स देते हैं वो टाइल्स के लेवल रहते हैं, तो उस टाइम पे ये कट करना ज़रूरी होता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये ज़रूरत नहीं पड़ रहा इसको, क्योंकि पॉइंट्स बहुत अंदर है। तरह से हम पहले चेक कर लें, बाद में फिर इसको अच्छे से टपलर मार के ये फ्लैंच है इसका, बहुत ज्यादा ही अंदर है इसके पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं इसको टपलर मार के, क्योंकि इसके थ्रेड्स बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ दो थ्रेड आ रहे हैं। अभी ऑफसेट पूरी तरह से अच्छे से फिक्स हो गए हैं, तो अभी देख सकते हैं आप इस तरह से यानी बहुत आसानी से, अगर एकदम सही लेवल रहा तो ये मिक्सर के जो चकनट्स होते हैं हाथ से फ्री एकदम टाइट होते हैं। तो इसके अंदर अभी पूरा हम सीमेंट लगाएंगे, मैं तो अभी सीमेंट का थोड़ा बाद में। तो इस तरह से ये फ्लैंच की आप देख सकते हैं, ये वाचर, कवर के लिए जो यहाँ पे बेंड फिक्स करना है, तो पहले उसका जो बटन है उसको लगाएंगे, तब जाके बाहर आ 1.5 इंच का एक्सटेंशन नेपल। अभी ये बेंड थोड़ा यानी 1.5 इंच इतना बढ़ रहा है, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं, पहले कट करके फिर फिक्स कर लेंगे।
एंड हमारा कट हो चुका है, तो अभी हम इसमें लगाएंगे, तो देख सकते हैं अब एकदम बराबर एग्जैक्ट बराबर आ। तो अभी थोड़ा वाचर्स फ्री है, तो इसको थोड़ा टफलन मार लेना जरूरी होता है। वॉल मिक्सर पूरी तरह से अभी फिक्स हो चुका है, तो वॉल मिक्सर किस तरह से कैसे फिट हुआ कमेंट करके कमेंट के जरिए